एडिडास का अल्ट्रा बूस्ट 21 एडिडास की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छी इनोवेशन में भी काउंट कर सकते हैं। तो इसके फोरफुट में इन्होंने यूज किया कॉन्टिनेंटल ब्रांड का सॉलिड रबर। कॉन्टिनेंटल एक टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। चैनल स्टेप अप अनलॉकिंग, आज हम लोग वापस आ गए हैं एक नए शू रिव्यू के साथ। और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फुटवेयर ब्रांड को। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एडिडास का अल्ट्रा बूस्ट 21। सबसे पहले हम बात करते हैं शू के फर्स्ट लुक के बारे में। जैसा कि आप इस शू के फर्स्ट लुक को देख सकते हैं, ये शू इन टर्म्स ऑफ लुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और आजकल जैसा स्नीकर का ट्रेंड चल रहा है तो ये स्नीकर ट्रेंड में परफेक्टली फिट इन हो रहा है, विच मीन्स कि आप इसे अपने डे टू डे वेयर में यूज कर सकते हैं। ये एक टिपिकल स्पोर्ट शू वाली लुक नहीं दे रहा है आपको, आप इसको अपने लाइफ स्टाइल पर्पज के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो अल्ट्रा बूस्ट 21 का रिव्यू करने से पहले मैं आपको अल्ट्रा बूस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। अल्ट्रा बूस्ट फरवरी 2015 में फर्स्ट टाइम एडिडास ने लॉन्च किया था, और टिल डेट ये एडिडास की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रा बूस्ट को हम एडिडास की अभी तक की सबसे अच्छी इनोवेशंस में भी काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शू के आउटसोल के बारे में। तो इस शू का आउटसोल बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है। जैसा कि आप इस शू को वीडियो में देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रबर यूज करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्लियर रबर, जो कि आप देख सकते हैं मिड फुट से होता हुआ हील एरिया में पूरा दिया हुआ ये क्लियर रबर आउटसोल है। इसका फायदा क्या है कि बहुत ही अच्छा ग्रिप और अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ फुट लैंड, या जिसे हम हील स्ट्राइक भी बोलते हैं। उस टाइम पे ये रबर जो है आपको एक बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इस शू को यहाँ से डैमेज होने से बहुत ही ज़्यादा बचाता है। फिर बात करते हैं इसके फोर फुट में यूज सॉलिड रबर को। तो ये सॉलिड रबर एट द टाइम ऑफ स्टांस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कि जब स्टांस होता है पूरा बॉडी का वेट स्टेबल होता है, तो उस टाइम पे ये रबर जो है शू को यहाँ से सपोर्ट और ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रबर की, जो कि इस शू में यूज़ करी है फोर फुट एरिया में। तो इसके फोर फुट में इन्होंने यूज़ किया है कॉन्टिनेंटल ब्रांड का सॉलिड रबर। कॉन्टिनेंटल ब्रांड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टिनेंटल एक टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इनके टायर्स सेल होते हैं। तो उस ब्रांड के साथ एडिडास ने टाई अप करके इस रबर को डिज़ाइन किया है अपने शू के लिए, और इस रबर को प्लेस किया है टो ऑफ एरिया में। टो ऑफ एरिया एक ऐसी जगह होती है शू की जहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटसोल डैमेज होता है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल रबर को यूज़ किया है, और ये आपके शू को बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ। तो इस शू के आउटसोल में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ है वो है एडिडास लैब। एडिडास लैब अल्ट्रा बूस्ट 21 में फर्स्ट टाइम एडिडास ने इंट्रोड्यूस किया है। एडिडास लैब को जब आप देखते हैं ये नियॉन वाला पार्ट, तो ये एक नायलॉन प्लेट है, इसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है इसके आउटसोल में। अब आप सोचेंगे एडिडास लैब है क्या। एडिडास लैब मीन्स एडिडास लीनियर एनर्जी पुश। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि एडिडास ने डिज़ाइन करी है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि आपको फोर फुट स्टिफनेस को 15% ज़्यादा इंक्रीज करता है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा फोर फुट इस तरीके से बेंड करता है। जब हमारा ये फोर फुट बेंड करेगा तो ये आगे की साइड को एडिडास लैब उसको पुश करता है, जो कि आपकी एनर्जी को सेव करता है, और एक लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हम बात करते हैं इस शू के मिडसोल के बारे में, और इसका मिडसोल ही इस शू की सबसे बड़ी यूएसपी है। जैसा कि आप इस शू का नाम जानते हैं एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 21। अल्ट्रा बूस्ट इज अ टाइप ऑफ मिडसोल डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय एडिडास। ये बहुत ही ज्यादा हाई कुशन और एक एनर्जी रिटर्न प्रोवाइड करने वाला रबर है। इस रबर को बनाया कैसे है, ये छोटे छोटे ETPU के जो कैप्सूल्स हैं उसको इस तरीके से इन्होंने इंटीग्रेट किया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा स्टेबल कुशनिंग और कंफर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 21 में जो इनका लास्ट एडिशन था अल्ट्रा बूस्ट 20, उससे 6% ज़्यादा बूस्ट सेल प्रोवाइड करें। 6% ज़्यादा देने से फ़ायदा क्या हुआ है कि आपको और ज़्यादा कुशनिंग और ज़्यादा बेटर एनर्जी रिटर्न मिलता है। तो अल्ट्रा बूस्ट अपने आप में एडिडास की बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अगर आप अल्ट्रा बूस्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम अल्ट्रा बूस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर सिर्फ एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे। तो हम बढ़ते हैं इस शू के अपर की तरफ। जैसा कि इसका अपर आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये अपर बनाया गया है एडिडास की प्राइमनेट प्लस टेक्नोलॉजी के साथ। प्राइमनेट प्लस टेक्नोलॉजी क्या है कि ये पूरा का पूरा अपर जो है हाईली स्ट्रेचेबल है, और एक आपको सॉक लाइक फिट प्रोवाइड करता है। तो जब हम इसके प्राइमनेट की बात करते हैं, तो आप इसका अपर को देख सकते हैं कि ये हाईली स्ट्रेचेबल अपर है।
इस स्ट्रेचेबल अपर में एक अच्छी चीज जो मेरे को लगी वो ये है कि कई सारे शूज के जो स्ट्रेचेबल अपर होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है कि एट द टाइम ऑफ रनिंग आपके फुट को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रेच जो है परफेक्ट स्ट्रेच है। साथ ही साथ इसमें आपको टेक्सटाइल लाइनिंग भी मिलती है जो कि इसके अंदर वाली साइड में दे रखी है। टेक्सटाइल लाइनिंग से फायदा क्या है कि आपके स्ट्रेच और स्ट्रेच को एक बहुत अच्छा ग्रिप के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है। प्राइम नेट प्लस अपर स्ट्रेचेबल और सॉक लाइक फिट के साथ साथ बहुत ही हाईली ब्रीदेबल भी होता है। ये शू पहन के जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं तो पैरों में स्वेटिंग इशू बिल्कुल भी नहीं आता और ब्रीदेबिलिटी बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो अपर से बढ़ते हैं हम इसके मिड फुट एरिया की तरफ। तो इसके मिड फुट में इन्होंने बहुत ही अच्छा लेस क्लोजर सिस्टम दे रखा है जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। जैसा कि आप इसको वीडियो में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा TPU का एक लेस क्लोजर सिस्टम है और ये इस तरीके से डिज़ाइन एंड प्लेस किया गया है कि जब आप इसके लेसेस को टाइट करते हैं तो ये आपको एक कस्टमाइज फिट और एक बहुत ही अच्छा ग्रिप मिड फुट एरिया में प्रोवाइड करता है। लेस क्लोजर सिस्टम के बाद हम जाते हैं इसके हील एरिया में। तो जब हम हील एरिया में आते हैं तो इसका एक एक्सटर्नल हील काउंटर दे रखा है जो कि आपको हील को बहुत ही अच्छी ग्रिप और बहुत अच्छा होल्ड प्रोवाइड करता है। तो जब हम रनिंग करते हैं तो हमें यहाँ से कुशनिंग मिल रही है मिड सोल से। हील काउंटर हमारे हील को इस तरीके से ग्रिप करके रखता है ताकि हमारा बैलेंस आउट ना हो और हमारे चांसेस ऑफ इंजरी बिल्कुल खत्म हो जाएं। हील काउंटर के बाद हम बात करते हैं शू का ऑन एंड ऑफ सिस्टम, जो कि आप ये देख सकते हैं एक सिंगल बूटी कंस्ट्रक्शन है। इसमें बहुत ही इजीली ऑन एंड ऑफ है। कई लोग होते हैं जो लेसेस बार बार बांधना खोलना नहीं चाहते, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एक बार अपने लेसेस को अपने हिसाब से आपने टाई कर लिया और फिर इस शू को एज ए स्लिप ऑन भी आप यूज कर सकते हैं। हाईली स्ट्रेचेबल है तो इस वजह से आपको ये उतारना या पहनना बहुत ही ईजी रहने वाला है। पर्सनली मेरे को इस शू में बहुत ही अच्छी चीज़ लगी वो है एक्स्ट्रा कुशनिंग एट द एंकल एरिया। जैसा कि आप इसको वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा कुशनिंग दे रखी है, क्योंकि कई सारे शूज़ जो होते हैं जो कि हाईली स्ट्रेचेबल अपर्स के साथ आते हैं और सिंगल बूटी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें यहाँ पे स्ट्रेच बहुत ज़्यादा नहीं होता और जब हम इसको पहन के रनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इरिटेशन हमें देता है। इस शू में होपफुली ये चीज़ जो है बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडिडास अपने इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, इस प्रोडक्ट में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसके इनसोल में। तो जब हम बात करते हैं इसके इनसोल की तो इसमें इन्होंने यूज़ किया प्राइम ग्लू। प्राइम ग्लू बेसिकली क्या है, इट इज़ मेड विथ पार्ले ओशियन प्लास्टिक। पार्ले ओशियन प्लास्टिक मतलब जैसे हमने देखा होगा कि ओशियन से जो वेस्ट आता है सी शोर्स पे या आपने समुद्र के किनारे में देखा होगा कि प्लास्टिक या गंदगी जो हम लोग समुद्र में फेंकते हैं और वो वापस आता है, तो एडिडास उसको इकट्ठा करके उसको रिसाइकल करके उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और एडिडास को बिग थम्स अप है अपने इस इनिशिएटिव के लिए। और साथ ही साथ ये इंसोल बहुत ही अच्छा और कुशन्ड है जो कि आपके पैरों को बहुत अच्छा फिट, बहुत अच्छा ग्रिप और ये हमारे पैरों को स्वेट फ्री रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 21 का रिव्यू स्टेप अप अनलॉकिंग टीम की तरफ से। अब बात करते हैं हम इस शू के प्राइस की। तो शू का प्राइस 17,995 है, मतलब 18,000 का ये जूता है। शू यूजेज की जब हम बात करते हैं तो शू ये एक रनिंग शू है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको लाइफस्टाइल पर्पस पे भी यूज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल रनिंग दोनों के लिए बहुत अच्छा शू है। तो जब हम इस शू के अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं इस शू का वेट 340 ग्राम है जो कि यूजुअल रनिंग शू से थोड़ा सा ज़्यादा वेट है, बट ठीक है हमें एक्स्ट्रा बूस्ट सेल्स भी इसमें मिल रहे हैं। तो 340 ग्राम का ये शू है। और जब हम इसके ऑफसेट की बात करते हैं तो हील टू टोल ड्रॉप इसका 10 mm का है। हील हाइट इसकी 30.5 mm है और 4 foot हाइट इसकी 20.5 mm की है। तो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल रिव्यू हमारा एडिडास अल्ट्रा बूस्ट 21 के बारे में। अगर आपको अल्ट्रा बूस्ट 21 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछें या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेप अप अनलॉकिंग के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।